What is up guys? So welcome back to my channel. My name is Tawin Gungli. अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना. इस ब्लॉग में यार बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो हम अपना हॉस्टल विजिट कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स. एंड मेरा कुछ काम भी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकालना था स्कॉलरशिप में. तो आई मीट यू देयर इन द हॉस्टल रूम. तो हम दिखाएगा कि अभी हॉस्टल रूम का कंडीशन कैसा है 6 मंथ्स के बाद. तो यार अभी हम एक अपना दोस्त का घर है, उसको लेने के ना, उसका नाम दादर मात्र है, उसको लेके हम दोनों निकलेगा साथ में. और कुछ कुछ दोस्त भी आने वाले हैं जो हॉस्टल कॉलेज का ऑफिस में मिलेगा ना, तो वहाँ में हम लोग अपना स्कॉलरशिप के बोना पैक सर्टिफिकेट इशू करवाना था. तो दोस्त को ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे. यार अभी हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, तो बोनाफाइड अप्लाई कर रहे हैं. पता नहीं, देख के तो लग रहा दोस्त भी है. नहीं नहीं ये नहीं है ना, कॉल करो. ये नहीं है स्कूटी, तो ये नहीं है करो. देखो ये मेरा दोस्त है ताजर मतलब, बहुत अच्छा लगता है. ये अभी अपना दोस्त को कॉल कर रहा है. रोबो अभी और 2-3 दोस्त भी आएगा बोनाफाइड बनाने के लिए ना. तो अभी एक लोन दिखाएगा, कॉलेज का लोन दिखाएगा ना. ये है वन, एक लोन है और एक दूसरा है. हरियाणा नंबर 13 और तेरा पिता जी का मेरा मतलब. हाँ, 2-3 दिन हुए बोलते हैं. अरे घर पर हम इतना लेट कर दे रहे हैं, अपना हो गया जैसे लग रहा है. तो यार दोस्तों अभी हम लोग अपना जो बोनाफाइड का काम करके हॉस्टल आ चुका है ना, ट्रेम्स बॉयज हॉस्टल. तो बॉयज हॉस्टल का दिखा देगा भाई कैसा है. ये देखो ये है ट्रेम्स बॉयज हॉस्टल, 5 फ्लोर है ये जो. अभी तो हम लोग अभी अपना रूम जाएगा ना 5-6 महीना के बाद, तो कंडीशन कैसा है उसको देखेगा. अभी तो लाइफ पता दिखा दूंगा, लाइफ पता भी निकला. और देखो यहाँ में लाइफ पता भी है. लाइफ पता भी उगाते हम लोग. तो ये है सबको कुछ भी ग्वारिश हो रिगार्डिंग यार नीट या किसी लेवल तक में किससे पढ़ना है या रिगार्डिंग हॉस्टल है टाइम टेबल, कमेंट कर दो यार, हम रिप्लाई कर देगा. आई लेट यू नो सीन. अभी हम लोग 4th फ्लोर में आ चुके हैं. अभी 4th फ्लोर आने वाले हैं, मेरा रूम भी आने वाले होना चाहिए. ये है मेरा रूम 403. ये एक दोस्त भसम का चा शायद हॉस्टल में बैठ रहा है क्या, इसको देखने जाए. ओ चाचा, ओ चाचा है क्या? नीचे कुछ खाने क्या होगा उसे चाचा?
हॉस्टल से ऊपर से व्यू देखेगा। कभी दिन यार जिम भी दिखा देगा जब वापस कॉलेज जब खुल जाएगा ना ठीक से, जिम वगैरह हॉस्टल रूम कैसा है वो सब भी दिखा देगा। यार अगर कोई भी क्वेरी सोने से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो यार, आई सुन गेट यू बैक, यू नो रिप्लाई कर देगा उसमें, आप या एक दो वीडियो भी बना देगा। तो ये है हॉस्टल का व्यू ऊपर से कैसे लगता है, ये है हॉस्टल का व्यू। अभी तो रेलिंग लगा देना, ये बहुत ऊंचा हल्के बाद में कोई सुसाइड वगैरह कर सकता है हल्के। तो अभी अपना रूम घुस के देखिएगा रूम कैसा है, रूम का कंडीशन ना। आफ्टर 6 मंथ्स आई एम विजिटिंग बैक माय रूम, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार रूम में पूरा कपड़ा में तो स्पेशली पंगा लग चुका होगा। ओके अच्छा तब तो ये है, देख लो ये है रूम, हम आ चुके अभी ना रूम 403। अच्छा रूम ऐसा हो क्या, चलो ये अभी मेरा रूम है, इसका अभी रूम का कंडीशन ठीक नहीं है, पर बाद में जब हम लोग वापस आ जाएगा ना तब रूम को अच्छा से ठीक कर लेगा, तब एक बार रिव्यू वीडियो भी बना देगा यार बोलने से ना, रिव्यू वीडियो भी बना देगा एक रूम में कितना आदमी बैठते हैं, कितना लाइट है, बाथरूम कैसा है, ये सब पूरा बना देगा, पानी ये सब। ये मेरा दोस्त का रूम है, कबंग टैंग और तादर महात्मा का रूम है, ये देख लो ये सुल्टिम दवा का बेड, ये उसका रूम है। एक्चुअली काफी कूल है यहाँ पे, ये तादर महात्मा ये रूम का मालिक है। और ये है हम लोग का और एक बैल्कनी ना, यहाँ से भी देखे, ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है जो बिल्डिंग बन रही है, जो स्ट्रीम्स का मैन अकेडमिक ब्लॉक है, इसको बनने में तो और थोड़ा साल लगेगा मेरा ख्याल से। ये है मैन अकेडमिक ब्लॉक ना, और ये है उसका वेरेंडा, हाँ बॉयज हॉस्टल का वेरेंडा है, जो ऊपर में जिम है, इसका ऊपर में जो टॉप फ्लोर में है ना उसका वर्ल्ड क्लास एक जिम है, उसमें जो हमारे पास कार्डियो के लिए एक्सरसाइज करने के लिए है और मसल बिल्डअप करने के लिए भी है। तो पता नहीं मेरा ख्याल से अभी शायद बंद होगा, तो कभी दिन जब कॉलेज खुलेगा और समय मिलेगा तो हम जरूर बनाएगा वीडियो ना।